अरे विष्णु बच्चों वेलकम बैक। लास्ट टेंथ यूनिट 5 हम करें समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, और एक्सरसाइज 5.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन 4 में एक्चुअली में 15 पार्ट्स है, राइट। तो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को डाल दिए थे। अब मैं यहाँ पर इस वाले वीडियो में 5, 6, 7, 8 यानी 4 पार्ट और यहाँ पे हम कवर करने वाले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना ध्यान से किस तरीके से चारों क्वेश्चन कवर होना है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ पार्ट, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी, पहले तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है। तो यदि कोई एपी है तो फिर उसका सार्वांतर याद करना है और उसके बाद फिर इनके तीन और अगले पद याद करने हैं, ठीक है। तो सार्वांतर तो पहले कौन कौन से एपी आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, है ना। इसका आपको D1 निकालना है, D1 यानी क्या, D1 क्या A2-A1। तो देखो ये क्या करें, बार बार D निकालेंगे, यहाँ से इसको चेक करेंगे, फिर A3 में से A2 चेक करेंगे, फिर A4 में से A3 चेक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये सबका D बराबर आ रहा है। अगर D बराबर आ रहा होगा तो बताएंगे कि हाँ ये जो पद है, ये जो श्रेणी है वो ये भी है, और ये भी होगा तो फिर अगले तीन पद और याद करना है, ठीक है। A2-A1 तो A2 क्या होगा 3+√2 और A1 क्या बेटा -3 है, -3 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कट गया आपके पास √2 आ गया। ऐसे D2 निकाल सकते हैं A3-A2 तो 3+√2 माइनस करना है बेटा आपको ना A2 क्या आपके पास 3+√2 तो 3+√2 -3 और फिर -√2 3 से 3 कट गया। अब देखो 2√2 -√2 तो आपके पास अल्टीमेट देखो रूट से रूट तो घटता नहीं है, इसके आगे रूट 2 क्या रखिए, 1 तो 2 में से 1 गया तो √2 ही आपके पास, ठीक है ना। फिर ऐसे मैंने निकाला D3 क्या बेटा A4-A3 तो D3 हो गया आपके पास 3+√2 है ना, क्या है बेटा आपके पास 3+√2 माइनस करना है आपको 3+√2, ठीक है बेटा 3+√2 माइनस करना है, माइनस कर 3 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा 2√2 माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, मतलब प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 अगर फिर से √2 हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आते हैं यहाँ पे बोल सकते हो कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 और समय क्या है सबका आंसर क्या √2 और √2 है ना, तो तीनों बराबर आ गया। अरे D बराबर है तो हम ये लिख पाओगे कि आते हैं यह श्रेणी एक एपी है, यह श्रेणी क्या है एक एपी है, और एपी होगा तो बेटा क्या करना है आपको अगले तीन पद यानी देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा चार पद तो दिए हुए, आपको पांचवा छठा और सातवां निकालना है। तो मैं पांचवा पद निकाल रहा हूँ A5 क्या होगा बेटा A+40 मैंने आपको बताया था पांचवा पद तो A+40 है शॉर्टकट फार्मूला, और अगर A6 होता तो A6 निकालना हो तो मतलब छठा पद निकालना तो A+5 यानी जितने पद निकालना है कम करना होता है, ठीक है सर, ठीक है बेटा। तो एक आपके पास तीन आपके पास यहाँ पर, ठीक है तीन हो गए हमारे पास, तो यहाँ पर तीन और यहाँ पे क्या 4D हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पर 4 और D की वैल्यू क्या बेटा आपके पास यहाँ पर D की वैल्यू यहाँ पर √2 निकल गया, यहाँ पर √2 हो जाएगा यानी 3+√2 ये बन गया A5। A6 क्या हो जाएगा बेटा अगला, A6 हो जाएगा फिर से A+5D, A क्या आपके पास यहाँ पर 3 और D की वैल्यू आपके पास √2 है, 3+5√2 ये आ गया आपके पास, फिर ये और ये क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकता बेटा, ठीक है, अगर 3, 5 और 3 जुड़ नहीं सकता तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास रूट है इसके पास रूट नहीं है। अब कभी बच्चे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं 5 और 3 को जोड़ देते हैं, ये जुड़ेगा नहीं। A7 क्या है A+16, ए क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर फिर से वो 3 है और 6D, डी की वैल्यू जो निकल के आया वो √2 निकल के आया है, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा 3+6√2। तो अगले तीन पद क्या हो गए बेटा आप लिख सकते हो आते हैं अगले तीन पद आपके पास निकल के आ गया। अगले तीन पद आपका पहले पद यह निकला 3+4√2 फिर 3+5√2 और 3+6√2 हो जाएगा अगले तीन पद, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस तरीके से पांचों पार्ट खत्म होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे छठे पार्ट की। तो छठा पार्ट क्या है बेटा, इसमें छठा पार्ट आपके पास अगर आप ध्यान दो तो 0.2
0.22 0.22 0.22 2 2 0.22 2 2 0.22 2 2 4 टाइम है ना, इस तरीके से चल रहा है सीरीज। तो क्या ये सीरीज एक एपी है आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो फिर से इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि डी वन निकालेंगे ना, डी वन यानी ए टू माइनस में ए वन। तो ए टू माइनस में ए वन निकाला मैंने, ए टू के आपके पास 0.22 माइनस 0.2। अगर मैंने घटाया इसको तो देखो 0.22 में 0.20 घटाऊंगा तो 0.02 आ गया, 0.02, ठीक है। फिर मैंने डी टू निकाला ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री क्या 0.22 माइनस 0.22। तो अब देखो यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ 0.22 में से 0.22, 0 घटाते 2000। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपके पास 0.0002 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो डी वन क्या है 0.02, डी टू क्या आपके पास 0.002 है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि अतः डी वन इक्वल टू डी टू, है ना, ये बराबर है ही नहीं। कैसे बराबर नहीं है बेटा, क्योंकि 0.02 निकल के आया है एक का और दूसरे का क्या निकल के आया 0.002। तीन दोनों बराबर देखो पॉइंट का, दोनों का यहाँ पॉइंट का तीन है, बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे अतः यह श्रेणी, यह श्रेणी एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं है। और अब बेटा अगर ये एपी नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, आपको अगले तीन पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मैंने छठा पार्ट खत्म कर दिया। तो इस तरह पांचवा और ये पांचवा और यहाँ पे छठा पार्ट है ना, छठा पार्ट। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ वीडियो को पॉज डाउन करके आप इसे क्या कर सकते हो, उतार सकते हो, ठीक है ना। और मैं इन दोनों क्वेश्चनों को रफ कर रहा हूँ और फिर हम यहाँ पे करेंगे अभी इन क्वेश्चनों को, यानी सातवां और आठवां पार्ट, ठीक है। तो अभी हम सातवां और आठवां पार्ट भी देखते हैं किस तरीके से होना है। आपके पास से सातवां और आठवां पार्ट बहुत आसान, थोड़ा देखो ये मैं बार बार आपको ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना है ध्यान से। जैसे सातवां पार्ट आपके पास 0 -4 -8 है ना, वही हो गया आपके पास -12, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है ना। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है मेरे को। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, डी वन डी टू निकालूंगा। डी वन क्या हो गया ए टू माइनस में ए वन। तो देखो ए टू क्या -4 है बेटा और ए वन क्या आपके पास 0 है, तो आपके पास -4 आ गया। फिर डी टू निकालेंगे, डी टू क्या जाएगा ए डी टू जो निकले वो ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री क्या -8 और माइनस करना आपको -4, तो -8 -4 +4 ये फिर ये -4 आ गया। देखो ये -4 है, डी टू -4 है, आगे भी एक बार और देख लेते हैं फिर। हाँ डी थ्री, डी थ्री क्या होगा ए फोर माइनस में ए थ्री, ए फोर क्या बेटा आपके -12 देख रहे हो, -12 है और माइनस करना है -8, तो -12 -2 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आगे -4, ठीक है। तो अतः यहाँ पर आप बता देंगे कि ये जो डी वन है इक्वल टू डी टू है इक्वल टू डी थ्री है, यानी आपके पास -4 -4 -4 निकल गया। इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे को, यानी ये समझ में आ रहा है कि जो श्रेणी गिवन है और ये आपका डी वन डी टू डी थ्री अगर सेम आया, यानी जो गिवन सीरीज है यानी जो श्रेणी है वो एक एपी, अतः आप बोलेंगे यह श्रेणी एक एपी है, यह श्रेणी एक एपी है। और एपी होगा तो बेटा क्या करना है आपको, यस बिल्कुल वही काम करना है आपको। ए फाइव अगले तीन पर याद करना, तो चार तक तो बेटा ये दिया हुआ 1 2 3 4, तो ए फाइव कैसे ज्ञात होगा, ए फाइव क्या होता है ए प्लस में 4d होता है, ए क्या आपके पास 0 और d की वैल्यू आपके पास बेटा -4 निकल गया है। तो अगला पद क्या हो जाएगा, देखो 0 और ये 4 चौक 16 है ना, एक प्लस है एक माइनस माइनस आ जाएगा, तो आ गया -16, ठीक है बेटा। फिर क्या निकालेंगे हम, ए सिक्स निकालेंगे, ए सिक्स आपके पास फिर भाई ए प्लस में 5d होगा और ए तो बेटा 0 है ही है ना, 5 और डी की वैल्यू -4 निकल गया है, तो 5 और 4 गुना होगा तो -5 21 भी आ गया -20। फिर क्या होगा बेटा आपके पास ए 7 निकालेंगे, ए प्लस में 16, ए की आपके पास 0 और डी की वैल्यू निकल गया -4, तो ये आ गया -24, ये आ गया देखो 6 चौक 24, ये -24 लिख सकते हो। अगले तीन पद आते हैं, अगले तीन पद ये निकालना था आपको, तो ये निकल के आपके पास अगला तीन का पहले वाला ए फाइव निकला है -16, फिर निकला -20 और ये निकला -24, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सातवां पार्ट में आपका खत्म हो गया। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आठवें पार्ट की, आठवां पार्ट आपके पास यहाँ पर है ना,
आठवां पार्ट आपके पास देखो, ये तो बहुत ही आसान, माइनस टू माइनस टू, फिर से माइनस टू, फिर से माइनस टू, ना इस तरीके से डायरेक्ट डैश करते हैं। तो ठीक है, तो आते हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ डी वन निकाल रहे हो, डी वन यानी ए टू माइनस में ए वन, देखो माइनस माइनस टू और माइनस करना है आपको, माइनस करना है फिर से, ये भी क्या है माइनस टू है, ए वन भी माइनस टू है और ए टू भी माइनस टू है, तो माइनस करना है तो माइनस का वन बाय टू, ये माइनस माइनस करें प्लस का हो जाएगा, तो ये देखो एक माइनस का है एक प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ का जीरो हो जाएगा। फिर से डी टू निकालते हैं, फिर से ए थ्री माइनस में ए टू, तो ये क्या है फिर से देखो माइनस का वन बाय टू और माइनस करना है माइनस का वन बाय टू, तो फिर माइनस का वन बाय टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एक बटा दो, ये कट गया, फिर क्या आ गया जीरो हो गया। ठीक है, फिर निकालेंगे आप, जब अभी तक देखो डी वन और डी टू बराबर है तो फिर आपको डी थ्री भी निकालना है, तो मैंने फिर डी थ्री निकाला, डी थ्री क्या हो जाएगा बेटा ए थ्री माइनस में ए टू, ए थ्री आपके पास फिर से माइनस का वन बाय टू माइनस करना है आपको माइनस का वन बाय टू, ट्वेंटी एट माइनस का वन बाय टू माइनस माइनस का प्लस एक बटा दो, फिर कैंसिल होगा फिर जीरो होगा। तो आते यहाँ पर आप कह सकते हो कि डी वन बराबर है डी टू बराबर है डी थ्री, यानी जीरो बराबर है जीरो बराबर है जीरो, तीन और क्या जीरो निकल गया, तो यानी जीरो भी निकल गया तो एक ही श्रेणी क्या एक ही होगा, अतः यह श्रेणी ए पी है, अतः यह श्रेणी हो गया, यह श्रेणी एक ए पी है, और बेटा अगर ये ए पी होगा तो वट भी लगना को क्या करना ए फाइव निकालना, क्योंकि चार पद तो आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, दिया ही होता है कहाँ पे ए रहा है एक दो तीन चार पाँच पद निकाले, तो ए प्लस में फोर डी फार्मूला क्या लग जाएगा, ए प्लस में फोर डी, ए आपके पास वन बाय टू, फोर डी की वैल्यू क्या है माइनस का वन बाय टू, ठीक है तो माइनस का वन बाय टू, तो चार अगर ऐसे किसे आप कट कट कर सकते हो ना कट जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस माइनस का माइनस का टू हो गया। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, और इसके लिए जो कुछ नहीं मानोगे तो एक मानोगे, ठीक है दो आंसर मान लो आपके पास, दो क्या जाएगा आपके पास क्या जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिनट, डी की जो वैल्यू है वो तो जीरो निकल गया है ना, सॉरी डी की वैल्यू क्या है जीरो है, वही मैं कहूँ अलग कैसे यार, तो डी की वैल्यू क्या बेटा आपके पास जीरो है, तो यहाँ पे फोर लिखा आपने और डी के आपके पास जीरो निकल गया, तो जीरो रखेंगे आप एक बटा दो और फोर में जीरो जीरो है, तो ये वन बाय टू वापिस से, देखो यहाँ पे वैसे भी समझ में आ रहा है कि देखो ए वन भी वन टू है, ए वन भी माइनस का वन बाय टू है, ए टू भी माइनस का वन बाय टू, ए थ्री माइनस का वन बाय टू है, तो अगले सब पद आपके सारे पद जो है वन बाय टू ही आने वाला है, तो एक फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं हम कि यहाँ पर ना कि हमें फार्मूला लगाकर दिखाना है करके ना एग्जाम में प्रेजेंट करके दिखाना, तो ए प्लस में फाइव डी हो गया, ए क्या आपके पास माइनस का वन बाय टू, फाइव फोर डी की वैल्यू क्या जीरो, तो ये क्या हो जाएगा पाँच गुना जीरो जीरो हो गया, वन माइनस वन बाय टू हो गया, फिर ए सेवन निकालना ए प्लस में सिक्सटी, सॉरी हाँ फाइव सिक्स सेवन निकालना से ए प्लस में क्या होगा सिक्सटी हो जाएगा, तो ए माइनस का वन बाय टू है और सिक्स डी की वैल्यू जीरो है, माइनस का वन बाय टू प्लस में जीरो, अल्टीमेट क्या गया माइनस का वन बाय टू हो गया है ना। तो अगले तीन पद क्या हो गया बट आपके पास, अगर आपको दिखाने हैं कि अगले तीन पद तो आप लिख सकते हो, आते हैं अगले तीन पद, अगले तीन पद अब क्या क्या निकल गया बेटा, अगले तीन पद वही माइनस का वन बाय टू माइनस का वन बाय टू माइनस का वन बाय टू, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका मैंने सातवां और आठवां पार्ट भी यानी चौथे क्वेश्चन का सात और आठवां पार्ट भी यहाँ पे कवर किया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं है ना, कई बच्चों को देखने में ऐसा लग सकता है कि सर को स्किप कर देना चाहिए सारे क्वेश्चन, लेकिन नहीं बेटा मैं छोटे बड़े सारे बच्चों के लिए चाहे वो कितना भी वीक हो सारे बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन यानी आंसर का एक एक क्वेश्चन चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो जरूर डालूंगा, ठीक है ना, तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, और प्लीज आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को ये वीडियो मिल पाए और वो एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको आसानी से समझ पाए और सीख पाए, ठीक है, और प्लीज अगर आप चैनल के साथ नए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मेरा अगला वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप आसानी से फिर अगला वीडियो देख पाएंगे, ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।